तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैंने जैसे कि आपसे पिछली बार वादा किया था कि आपके पास हेलमेट का पूरा सेटअप लेकर आऊँगा कि आपको कैसे कैमरा एंड मोबाइल इस पर माउंट करना है सामने की तरफ, तो उसके लिए हमने परचेस कर लिया है अमेज़ॉन पे, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा मैं। और आइए इसको चला के इसमें फिट करके दिखाते हैं। कैमरा पास लगी स्वप्निल भाई। तो गाइस इसको इस तरीके से रखेंगे, और अगर आपके पास सादा वाला जो कैमरा होता है, मतलब हेलमेट होता है सॉरी, तो उसको अगर आप चाहें तो यहाँ से एक ये रबड़ काट सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ से भी इसको डाल दें, वैसे तो मेरे में कटी हुई आई थी जगह, इसको बहुत आसानी से सेटअप हो जाता है। ये आप ऐसे खींचें इसको, और इसकी एक जो ये है इसमें सेट कर दें। तो भाई ये बहुत आसानी से इसमें सेट हो जाता है, ज़्यादा इसे चलते टाइम बर्बाद नहीं होता, और इजीली मिल भी जाता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी, और या फिर आजकल वो चल रहा है बहुत सारी लेंगे अदर प्लेटफॉर्म, उस पर मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे प्रोडक्ट की लिंक सेंड कर दूंगा। और हमने जो उस दिन आपसे वादा किया था कि IZI का हमने जो कैमरा मंगाया था उसका भी रिव्यू डाला था, उसका भी अगर आपको पसंद आए तो रिव्यू जाके चेक कर सकते हो मोटो ब्लॉगिंग के लिए। बाकी इसको मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। ये एक हमने इधर पे सेट कर दिया, पैक हो गया। ये दूसरे के हमने यहाँ से खींचे, ये देखिए ये हमने यहाँ से खींचा, और इसको अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम सेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ये तिरछा है। ये देखिए इसको हमने यहाँ पे सेट पे लाएंगे, हल्का सा सेंटर पे मिलाना है, और इसको आप जितनी चाहे ताकत से खींच सकते हो, कहीं पर भी नहीं हिलेगा ये, यहाँ से कितने भी हो तो खींच सकते हैं आप लोग। यहाँ से पास करके दिखाओ सबने, ये जो ये हैगा इसको यहाँ से ऐसे खींचें और ये ऐसे फिट कर दें, फिर एक और इस तरह वाला खोलें हल्का सा, ऐसे खींचें फुल ताकत से और ऐसे फिट कर दें, ताकि आपका मोबाइल या कैमरा आपका जो रहे तो आप गाड़ी कितने भी तेज चलाएं गिरे ना। थोड़ा सा अभी तिरछा है ये, मैं आपको सेट करके दिखा दूँगा। और ये रहा हमारा IZI का कैमरा, जिसको हमने बहुत ही चीप रेट में परचेज़ किया था। और इसके भी अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, इसका भी रिव्यू का भी और एंड परचेज़ का भी। 9,500-10,000 का आपको कैमरा पड़ेगा सारे फंक्शन के साथ। ये इसके साथ माउंट आता है, और ये जो आया है नीचे वाला ये कैमरे के साथ माउंट आया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, ये हो गया हमारा कैमरा सेट। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है जो हेलमेट के अंदर आपके आवाज़ की, ये जो माइक है IZI कंपनी ने खुद इसके साथ फ्री दिया था, मगर नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं थी फ्रेंड्स, जो कि हमारे स्वप्निल भाई कैमरामैन अभी जो वीडियो शूट कर रहे हैं इन्होंने इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाई, और मतलब अभी इसको इतना शानदार बना दिया है कि सिर्फ आपकी वॉइस आएगी या फिर गाड़ी के जो साउंड एग्जॉस्ट की साउंड आता है वो आएगा, या फिर तीसरी चीज़ जो पीछे आपके साथ बैठा होगा उसका साउंड आएगा, मतलब आपको हवा की जरा सी भी आवाज़ नहीं आएगी। मैं इसका भी रिव्यू इसके एंड में डाल दूंगा, थोड़ा सा माइक का भी रिव्यू आपको दिखा दूंगा। और ये रहा हमारा कुछ इस तरीके से फिट होने के बाद दिखेगा कैमरा। चलो तो सो गाइस, ये आपने देख लिया कैसे सेट हो चुका है हमारा कैमरा, और ये भी मैंने सही कर दिया देखिए। तो अब ये आपको मैं माइक लगाना दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सी टाइप एक वो दिया है माउंट इसका, यहाँ से हम इसको ऐसे सेट कर देंगे, ये इसमें फिट हो गया। और आप चाहें तो इसको इसकी ही जो एक पीछे यहाँ पे देखिए कुछ जगह दिख जाती है ये वाली, इसके पीछे भी इसकी वायर को आप फंसा सकते हैं, आसानी से फंस जाएगा। और जब भी आप लोग चलते इस माइक को इनेबल करें मतलब हेलमेट के अंदर, तो याद रखें कि हेलमेट के यहाँ साइड में होना चाहिए या इधर होना चाहिए, बिल्कुल फेस के सामने नहीं होना चाहिए। अगर फेस के सामने ये होगा तो आपकी काफ़ी आवाज़ में मतलब दिक्कत आ सकती है, ऐसा कुछ है, तो आप लोग चेक कर सकते हो इसको, कहीं पे भी ऐसे फंसा सकते हो। मैं अभी आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, बाकी आप चेक करो कि ऐसे लग गया हमारा कैमरा। एंड स्वप्निल भाई दिखाओ, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसमें हमें GoPro की तरह कोई अलग से माइक लगाने के लिए इनेबल करने के लिए नहीं लेना पड़ता है। तो आपको माइक या फिर GoPro मतलब IZI का ये एक्शन कैमरा या फिर ये माउंट परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी चीज़ों की लिंक है, हेलमेट की भी, इन चीज़ों की भी, आप जाके परचेस कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे भैया भी कुछ बोलना चाह रही हैं गाइस। गाइस ये देख सकते हो आप लोग, इसकी वॉइस है ये कुछ इस तरीके से है।
ये गाड़ी का साउंड सुनाई दिया और अभी मैं आपको गाड़ी चला के दिखा रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी आपको आवाज़ जो है बाहर की सुनाई नहीं देगी। तो ये माइक हम लोगों ने बनाया, मतलब हमारे स्वप्निल भाई ने बनाया है, जिस तरीके से देख सकते हो आप लोग। तो ऐसे में काफ़ी ईजिली हो जाता है ये, बाकी इसके साथ जो माइक आता है उसमें बहुत दिक्कत कर रहा था। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। स्वप्निल भाई के चैनल को भी कल दे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में स्वप्निल भाई का भी चैनल दे दूंगा, इनको भी फॉलो कर दो। और अगर जैसे भी इनका भोपाल के अंदर किसी को माइक बनवाना है तो भाई के साथ इंस्टाग्राम पर आप बात कर सकते हैं, और भाई को अगर हाँ वीडियो शूट करना है तो भाई कर देंगे शूट। तो स्वप्निल भाई इंस्टाग्राम आई डी अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपकी, सबको रिप्लाई मिलना चाहिए। डन डन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये हमारी प्यारी।